जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद इकबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 10 नवंबर 2014 दिन सोमवार और तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव मेरे प्यारे मेरे लाडले मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। YouTube में ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिश हो रहा है वो लगभग 160 से ऊपर हो गया है। तो अभी हाल में 2 ईमेल आए हैं मेरे अकाउंट में, एक 9 नवंबर को और एक 3 नवंबर को। एक 3 नवंबर को और एक 9 नवंबर को 2 ईमेल आए हैं। और 3 नवंबर वाला जो है लिखा है, लवली सिंह सेंट यू ए मैसेज। तो लवली सिंह सेंट यू ए मैसेज में जो है एक जवान लड़की का छोटा सा फोटो है, जिसमें उसके अंगड़ाई लेते हुए जैसे करते हैं ऐसे और उसका कमर तक जो है वो फोटो है, सर से लेके कमर तक दोनों हाथ या तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनी है या ब्लाउज भी नहीं पहनी है, खाली चोली टाइप का कुछ पहनी है और नारंगी रंग का साड़ी, ट्रांसपेरेंट साड़ी उसके ब्रेस्ट के ऊपर से ऐसे गए हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। मतलब वो आकर्षक करके उसको बनाए हैं जानबूझ करके, ताकि जिसके पास ये जा रहा है उसका हमारी तरफ आकर्षण हो, बढ़े, हमारी तरफ खींचा चला आए। उस पोज में वो खड़ी है लवली सिंह। तो नाम उसका होगा नहीं, वो कोई फोटो किसी का दे दिया, लेकिन साक्षात फोटो है, पेंटिंग नहीं है, किसी कोई लड़की है। आजकल तो लड़कियां कपड़े उतारने में तो एकदम एक से बढ़कर एक, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा है, स्पर्धा कि कौन जल्दी कपड़ा उतार सकता है। धन्य हो कलयुग, कलयुग में और भी विकट विकट ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, क्योंकि इसको लोग बढ़िया मानते हैं ना, तभी तो कपड़ा उतार रहे हैं हम लोग। अगर पसंद ना करते तो कपड़ा क्यों उतारते। कपड़ा पहनना लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो सब काम विकार से ग्रस्त हैं, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। बहरहाल ये ईमेल आया है, इसमें लिखा है इनविटेशन, मेक फुल्ली कॉपीराइट प्रोटेक्ट योर सेंट कंटेंट ओवर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑफिशियल MCN फ्रीडम, ब्रैकेट में लिखा है MeTV_affiliate और अप्लाई हियर बोल के एक लिंक दे रखा है, जिसको क्लिक किया जा सकता है, http://gwo.gl/ce4mbqp4.ce भी कैपिटल में है, सी कैपिटल में सी और ई, और उसके बाद 4, फिर स्मॉल में एम है, फिर कैपिटल में क्यू है, फिर 4 डॉट। ये http://google.gl/ce4mq4 इस तरह से किया है, उसको मैंने अभी क्लिक नहीं किया क्योंकि ये अवतार हमको पसंद नहीं इतना रुचिकर नहीं है कि कोई भगवान की तरफ से हमारा ध्यान हटाने का चेष्टा कर रहा है। जो भी हो उसके नीचे भी बहुत सारे विवरण हैं, उसमें लिख रहा है, हेलो यू हैव गॉट ए वेरी नाइस चैनल एंड
we love what you are doing with it. Join FCN Freedom NETV affiliate. Apply here. Your channel is now eligible to join YouTube partner program because you are focused on great videos. We would like to invite you to apply for a partnership with our fast growing YouTube network MCN Freedom. No lock-in, forever contract, forever contract. Come or go anytime, whenever you want. Apply here. Transparency. We enable revenue visibility in your YouTube channel and nothing is hidden. Revenue share. You start at 70% of YouTube's 100% and can grow. That is, it is not 60% or 80% or some other silliness. We can have no minimum payout. If you earn $1, we pay you $1. Ownership. You own your channel and content and we are your technology partner. Content ID. We can find all copies of your original content anywhere on YouTube and monetize or take down the matches. If you are a musician, this means we can monetize all copies of your music anywhere on YouTube. Audio only. We have two CMS, one for music and one for non-music. The music CMS lets us match just the audio in a video and we can claim very specific rights for your music across YouTube. Record labels. Many record labels signed with us and we negotiated access to professional music for you. No withholding tax. You earn 100% of everything you make. There are no tax forms to fill out from Freedom and no withholding tax. Simple. Earning $7 to $10 per 1000 views. So what do you actually earn then per 1000 views? We do not place a set of $2 or $3 cap on your earnings the way other networks do. Many of our partners have earned over $10 RPM from their videos. Payments are issued at the end of each month on a 2-month delay. This means that all of your earnings from January will be sent to you via PayPal by the end of March. Comma, February earnings sent in April, comma, etc. You will always be emailed a full report that shows you your earnings before the payment is sent out, so you know exactly what to expect in your account by the end of each month. After join, your application is still waiting for approval to MCN Freedom Network. Step 1. Partnership. See how to partner your channel to your network. यहाँ भी एक लिंक दिया है, फिर मुझे अप्लाई हियर में, फिर वही पुराना वाला लिंक दिया है, ईमेल एड्रेस भी एक दिया है, midnightadventure.bike@gmail.com. अच्छा, ईमेल भी दिया है, तो मैंने पहले देखा नहीं था. हाँ, आखिर में नाम दिया है, निवेदिता दे, DUI दे, ये बंगाली होते हैं दे, निवेदिता भी नाम बंगाली नाम है, ये कोई बंगाली लड़की का है, रिक्रूटर ऑफ फ्रीडम, आखिरी में अपना डेजिग्नेशन लिखा है. तो इसी तरह का मैसेज, वो सोनू मोनू वाला जो मैसेज है, सोनू मोनू वाला मैसेज वो 9 नवंबर 2014 का है, उसमें भी लगभग वही बातें हैं सब. हेलो, यू हैव गॉट, ये सोनू मोनू वाला पढ़ रहे हैं, यू हैव गॉट ग्रेट वीडियोस एंड वी लव द वे यू हैव बीन डेवलपिंग योर चैनल. फॉर दिस रीजन वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू जॉइन आवर फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब नेटवर्क कॉल्ड म्यूजिक नेशंस नेटवर्क. एनी वे उसके बाद टर्म्स
न्यू टर्म्स ऑफ यूट्यूब पार्टनरशिप, उस तरह के करके लगभग वही बातें हैं उसमें लिखा है, अलग तरीके से लिखा है, एकदम आइडेंटिकल नहीं है, वो अपने हिसाब से लिखा है। तो ले दे करके ये जो है सब पैसे का माया का खेल है। लेकिन मेरे पास ये आना जो है ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो जैसे लेकिन भगवान की कृपा, हम कोई भी चीज़ आता है तो उसको भगवान की कृपा ही देखते हैं कि भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं या कुछ लीला कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भगवान की कृपा से सब होता है, ऐसा हमारा विचार रहता है। तो ये पैसे का मामला YouTube स्वयं जो है वो पूछता है। शुरू में जब हम YouTube में रजिस्ट्रेशन कराए थे तो पूछा था मोनेटाइजेशन का स्कीम उनके पास है YouTube के पास, ये तो बाहरी हैं और वो लोग YouTube का नाम ले रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो हम मोनेटाइजेशन में कभी जाते नहीं हैं, ये सब भगवान के मामले में, किसी भी मामले में हम कभी कोई मोनेटाइजेशन एनकेशमेंट नहीं किए हैं कोई। अगर मोनेटाइजेशन का मेंटालिटी होगा या मानसिकता होगा, ऐसी बुद्धि होगी, पैसे के लिए लालच होगा, वही व्यक्ति इसमें जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति वाले जो हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं, और पुलिस विभाग तो भ्रष्टाचार के लिए बहुत विख्यात है। तो हम पुलिस विभाग में, हालांकि IPS बहुत सीनियर पद होता है, रैंक होता है, उसमें हम रहे हैं, और IPS अधिकारी ऐसे थाना लेवल वाला करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ी इस ऊपर तक पहुंच रहा है, पहुंच चुका है ऐसा सुनते हैं और जानते भी हैं। तो वो सब कभी हम नहीं किए, नहीं तो हम अपने सर्विस का मोनेटाइजेशन अगर करें तो करोड़पति अरबपति अधिकारी लोग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक IAS अफसर, उसकी वाइफ भी IAS अफसर, वो पकड़े नहीं गए थे, वो कितने एसेट्स उनके पकड़े गए थे सब, क्या हुआ अंत में क्या हुआ। तो वो सब धंधा कभी हम जीवन में ना सोचते हैं ना करते हैं ना उधर देखते भी नहीं है, थूकते भी नहीं उधर, ऐसा कहा जाता है, एक एक्सप्रेशन या बोलने का तरीका ऐसा होता है, मतलब जो ये भाषा कभी हम प्रयोग नहीं किए थे आज तक जीवन में, लेकिन अभी इसको पहले बार ये प्रयोग हो रहा है, आश्चर्य है। और ये कहाँ से हमारी जानकारी में आई थी, ये स्वामी रामकृष्ण के जीवनी आदि में कहीं पर ये उन्होंने ही कहा था कि मैं तो थूकता भी नहीं हूँ इसे, ऐसा उन्होंने कहा था किसी विषय को लेकर के। वो विषय भी थोड़ा थोड़ा याद है, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रयोग नहीं करते, भगवान की ऐसी शिक्षा है। तो मतलब उधर हम नहीं देखते हैं, दृष्टि हमारी पैसे की तरफ कभी नहीं रही। तो अभी ये जो काम हो रहा है, जैसे कि हमारे मूल पेज पृष्ठ में लिखा हुआ है कि मेकिंग ऑफ ए गॉड, द मिरेकल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, सनातन धर्म, ऐसा लिखा है। इसमें विवरण जो नीचे लिया दिया है उसमें भी साफ लिखा है कि ये केवल भगवान की आज्ञा से, भगवान की खुशी के लिए ये हो रहा है, और इसमें केवल भगवान की गुणगान ही किया जाता है इस चैनल में, और इसमें दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें कोई हमारी बड़ाई को दिखाने का तो लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि नहीं ये दूसरी ज्यादा अपने बड़प्पन दिखाने के लिए अपने ज्ञान का भंडार खोल रहा है, ज्ञान दिखाने के लिए, ज्ञान का बखान करने के लिए, ओ तुच्छ तुच्छ तुच्छ, ज्ञान का बखान हम क्या करेंगे, हम तो अज्ञ हैं, अज्ञ थे अज्ञ हैं मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत भगवान जो ज्ञान दे दिए हैं उनकी कृपा है, लेकिन हमारे मुंह से भगवान बोलते हैं, हम बार बार ये कहते हैं। तो इसका कोई भी श्रेय अगर कहीं देना हो और कोई दूसरी बात कुछ कहना हो तो भगवान की तरफ देखना, हमारी तरफ मत देखना, हम ये सब काम में नहीं पड़ते हैं। हम भगवान जैसे आज्ञा करते हैं, हम उनके दासी हैं, उनके अर्धांगिनी हैं, तो भगवान का सेवा करने में हमारा समय निकलता है, हमारा सेवा ये चलता है इस तरह से। तो यहाँ हमारे चैनल में भगवान का चैनल है ये, और भगवान का चैनल का कोई भी चीज में उसका मूल्य वसूल करने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं ना। हम कोई एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ नहीं किए हैं इसमें, उसमें ऑप्शन भी है, अगर एडवर्टाइजमेंट अलाउ करेंगे, विज्ञापन अलाउ कर देंगे, विज्ञापन देंगे इसमें, वो सहमति दे देंगे तो विज्ञापन देंगे, और विज्ञापन से जो आय होगा उसका एक हिस्सा जो है हमको मिलेगा, ऐसा YouTube वालों ने खुद उसका नियम है पूछा था भी, लेकिन हम मना कर दिए।
कि नहीं, हम उसको टिक मार्क नहीं किए कि कोई विज्ञापन नहीं चाहिए। यहाँ कोई भी साधक या भक्त या भगवान के अनुयायी या भगवान के प्रशंसक कोई अगर इसमें आएगा, भगवान का भक्त, और उसको देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा, तो उसमें क्या विज्ञापन बीच में आके बाधा सृष्टि नहीं करेगा? हर एक विज्ञान में कैसे बेतुकी बेतुकी बातें आती रहती हम सब जानते हैं। तो उसमें कोई नहीं, जब भी भगवान की तरफ ध्यान करो, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़े, दूसरा कोई ना दिखाई पड़े। एक फोटो लाया एक आदमी यहाँ से दिल्ली से, दिल्ली में एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और वो नौकरी करते हैं। तो उनके साथ वो लड़का आया था, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, पावा उसका नाम है मेरे ख्याल में, जहाँ तक अभी मुझे स्मरण है। वो अपने साथ एक फोटो लाया था बालकृष्ण भगवान का, जिस पर कुछ डेकोरेशन, वो फोटो के ऊपर कुछ चमकीली चीजें लगा रखे थे, कोई अपने श्रृंगार कर रखे थे उनके घर वाले, उनकी धर्मपत्नी होगी या बेटी होगी जो भी हो, और ऊपर उसके श्री गुरुवे नमः बोल के लिखा हुआ था। फोटो भगवान भगवान का, बालकृष्ण भगवान का, मेरे स्वामी का, और ऊपर गुरुवे नमः लिखा है। तो उसने कहा कि ये आपके लिए मैं लाया हूँ और मुझे दे रहा था। तो मैंने उसको देखते ही मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। तो कहा क्यों, भगवान का तो है, रख लीजिए, हमको अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं, ये ऊपर जो तुम लिख दिए हो ये गड़बड़ कर दिए, जब भगवान का है तो भगवान श्री कृष्णाय नमः होगा, गुरुवे नमः नहीं हो सकता। और लिखने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं का उनका उनकी छवि है, मनमोहक छवि है बाल कृष्ण भगवान का, और कुछ लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। गुरु का तो लिखना ही नहीं, क्योंकि फिर गुरु अलग चीज मानोगे तुम, तुम्हारा कोई गुरु होगा अलग, उसके बारे में तुम लिखे हो, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। भगवान को देखोगे तो भगवान को याद करो, गुरु को याद करने की जरूरत नहीं है। गुरु ही वही होता है जो भगवान को दिखा देता है, यही तो कहते हैं नियम। तो जब एक तरफ एक बार भगवान को पहचान लिए, भगवान की तरफ दृष्टि चली गई, भगवान को देख लिए, तो गुरु रह गया। गुरु होना ना होना एक ही बात है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। जब भगवान से दोस्ती हो गई, भगवान आमने सामने हो गए भगवान से, तो फिर और कोई नहीं आता है बीच में, अगर आएगा तो वो विघ्न है, और माया का खेल है। तो ये सब माया का खेल, ये सोनू मनु और वो क्या नाम वो लड़की का, निवेदिता, जो असल नाम है जॉली फली कुछ लिखा है, देखती हूँ दोबारा, लवली लवली सिंह, लवली सिंह इनवाइट्स यू। तो ये जो भी है ये सब माया, और हम इसमें बिल्कुल आते ही हम तुरंत उसको अस्वीकृत कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, हमारी घृणा नहीं है उसके लिए, या हम उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, निंदा भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से निंदा किया जा सकता है कि एक संत महापुरुष के पास ऐसे ईमेल या पत्र नहीं भेजना चाहिए, ऐसे शर्तों के साथ इस तरह की फालतू बेकार की बातें नहीं करना चाहिए। और जो हमारे अच्छा चैनल दोनों ने जो लिखा है, क्या अच्छा चैनल वो क्या पढ़े हैं, सुने हैं, कभी सुने हैं उस चैनल के जो वीडियोस हैं उसको, कभी बैठ के शांति से सुने भी हैं, जो उसका सुने भी हैं तो उसका अर्थ समझे हैं? बिना मुझे लिख दिए कि इसका पैसा कमाइए इससे बैठ के, और हमारा मेंबर बन जाए, पार्टनर बन जाए। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, संत महापुरुष को इस तरह का प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। ये भगवान के साथ छल कपट का व्यवहार है, और अर्थपूर्ण व्यवहार है, धन के लिए सब तुम्हारा लाल टपक रहा है कि हम अगर उनके साथ जाएंगे तो जो हमको कह रहे हैं 70% देंगे तो 30% तो उनको मुफ्त में ही मिल गया। चैनल हमारा होगा, वीडियोस हमारे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनको 30% बैठे बैठे मिलेगा। तो इसी तरह से 1000 क्लाइंट्स अगर उनके हो गए तो बैठे बैठे बढ़िया, 30% × 1000 उनका आमदनी बैठे बैठे होगी। और पढ़े लिखे नहीं, सब लफंगे टाइप के होंगे ये लोग, कोई गुण उसमें खास नहीं होगा, खाली एक तरीका है वो हरकत करने की, बस।
तो ये सब बातें होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा समाचार आता है। और हम उसमें प्रभावित बिल्कुल नहीं होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको उदासीन कहते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र में उदासीन हो जाना कहते हैं, हम उदासीन हो जाते हैं। लेकिन हम इसलिए यहाँ पर ये बात भगवान कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा ये दुर्व्यवहार है, गलत व्यवहार है, आपत्तिजनक व्यवहार है। जो भगवान की प्राप्ति जिसको हो चुकी है, उससे बढ़िया कोई व्यक्तित्व या उस स्थिति वाला परम पद पे बैठने वाला ऐसा कोई और है नहीं। तो क्यों ऐसा छेड़छाड़ी छेड़खानी सब कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे तरफ से तो कर्म है। हम तो भगवत कृपा समझते हैं सब चीजें, लेकिन तुम्हारे तरफ से कर्म है, तो भगवत कृपा हम समझने के बावजूद भी तुमको पाप और पुण्य के भागीदारी होना पड़े। और इस मामले में तो पाप ही पाप है, पुण्य की कोई बात है ही नहीं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंदित वाह, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।